हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा डे टाइम मेकअप लुक विद दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेन्जा साड़ी। और ये साड़ी मैंने फैशन फैक्ट्री CPR से मंगवाया था, इंस्टाग्राम पेज से, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने मंगवाया था और मुझे ये 1300 समथिंग कुछ पड़ा था। और इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है, मतलब ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ऑर्गेन्जा साड़ी तो लाइट वेट ही होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मुझे पर्सनली इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका जो ब्लाउज का कलर है वो पिंक कलर है और देन इसका जो साड़ी का कलर है वो स्काई ब्लू है। और मुझे पर्सनली लाइट शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं हमेशा लाइट कलर ही चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। डार्क कलर तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जिसके वजह से मैं काफ़ी डार्क भी सुनती हूँ कि हमेशा लाइट ही पहनना है क्या, कभी तो डार्क पहनो। तो मैं बहुत रेयर ही डार्क कलर पहनती हूँ, जब मुझे मम्मी जी फोर्स करती है तब, लेकिन मैं लाइट कलर ज़्यादा मुझे पसंद लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लाइट कलर ही पहनती हूँ, ठीक है। और डे टाइम में अगर आप रेडी हो रहे हो तो आप लाइट आउटफिट पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस लुक को अगर आप किसी के शादी में जा रहे हो, डे टाइम में जा रहे हो, तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो, नो डाउट। कोई भी फेस्टिवल में आप इसको कर सकते हो, कुछ भी ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने अपने आईज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया है ज़्यादा, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना था इस आउटफिट के साथ में। अगर आप डे टाइम में भी बाहर जाते हो तो कुछ तो आपका ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आई मेकअप को ही ऐसा रखा है जो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। बट ये जो लुक है ना, ओवरऑल लुक, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आई एम श्योर, ठीक है। सो अभी तो सरस्वती पूजा भी आ रहा है, आप चाहो तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो ये वाला लुक। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस मेकअप को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा और हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप चाहो तो नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको मेरे नए नए पिक्स रोज़ देखने को मिलेंगे। रोज नहीं तो एक दो दिन तो गैप हो ही जाएगा भाई, ठीक है, लेकिन फॉलो जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपना स्किन केयर करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लिया है और मैं इसे अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पर वाओ का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, SPF 55, और मैं इसको भी ज़रूर यूज़ करूँगी, क्योंकि डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर शुगर पॉप का लिप बाम लिया है, ये एक टिंटेड लिप बाम है, आप देख सकते हो। हमारा स्किन केयर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम अपना बेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसीलर यूज़ करूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिटमी का कंसीलर लिया है, मेरा शेड है 20 सैंड। और फाउंडेशन डे टाइम में मैं नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ओके गाइस, कंसीलर यूज़ करने से पहले आप प्राइमर ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। मेरा प्राइमर वाला वीडियो शूट नहीं हो पाया था, मैंने यहाँ पर लैक्मे का प्राइमर यूज़ किया था। आप भी कंसीलर लगाने से पहले प्राइमर ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर गार्नियर का बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, उसके साथ मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर हाइलाइटर मिक्स करूँगी इसके साथ। और फाउंडेशन के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हो, आप चाहो तो बीबी क्रीम के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हो, एक ड्यूई फिनिश देता है। आपका बेस मेकअप जो है ना वो बहुत ही ड्यूई लगेगा, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा अपना बीबी क्रीम इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, आप कैसे यूज़ करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इस तरीके से यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मेरा बेस मेकअप बहुत ही ड्यूई लगता है और बहुत ही ग्लोई इफेक्ट आता है, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इतने अच्छे से इतनी ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है ये। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरा बेस मेकअप कितना अच्छा रेडी हो गया है। और अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डे टाइम पे आप फाउंडेशन को स्किप करके अगर आप कोई अच्छा सा बीबी या सीसी क्रीम ले लेते हो और उसके साथ इस तरीके से स्ट्रोक क्रीम मिक्स करके अगर आप अपने बेस मेकअप को रेडी करते हो ना, तो डे टाइम आपको बिल्कुल नेचुरल लगता है, कोई भी हैवीनेस नहीं लगता है और स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है बिल्कुल, कि लगता ही नहीं कि आपने कुछ किया हुआ है बेस मेकअप पे। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप गार्नियर का बेबी क्रीम ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये तो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट मैं अपने अंडर आई एरिया को और अपने क्रीज एरिया को अच्छे से सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से। मैंने यहाँ पर नायका का कॉम्पैक्ट लिया है, मेरा शेड है 15 लाइट, और मैं इसको बस अंडर आई एरिया पर ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा फेस पर नहीं लगाना है, ड्यूई लुक रखना है, तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर बाद में फिर हम देखेंगे कि हमें कैसा ज़रूरत पड़ेगा, तो हम उस तरीके से इसको यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट मैं अपना यहाँ पर क्रीम कॉन्टोर यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर NYB का क्रीम कॉन्टोर लिया है और मैं इसी को यूज़ करूँगी। मैं अपने ब्रश की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, अपने चीक बोन एरिया को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, फिर मैं अपने जॉ लाइन एरिया पर भी इसे यूज़ करूँगी, फिर मैं अपने फॉरहेड को भी अच्छे से कॉन्टोर करूँगी और अपने नोज़ एरिया को भी अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। फिर दोनों सबको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ये बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फिटमी का लूज़ पाउडर लिया है, अपनी जॉ लाइन एरिया पे लगाऊंगी मैं इसको, ताकि मेरा जो कॉन्टूर है वो शार्प नज़र आए, और नोज़ एरिया पर भी मैं इसको यूज़ करूँगी ताकि मेरी नोज़ भी शार्प लगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपना ब्लश यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर लिक्विड ब्लश के लिए लैक्मे 95 का मूज लिपस्टिक लिया है। ये मुझे बहुत अच्छा नेचुरल फिनिश देता है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये लिपस्टिक का भी काम करता है और चीक्स पर भी ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। सो पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मैं अभी हैक आपको बताऊँगी वो मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था, तो मैं उसको भी आज फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली वो हैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपके साथ भी फिर से शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बस आपको दिखाने के लिए मैंने बस उस दिन शूट किया था। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ आज। यार ये हैक तो मेरा फेवरेट हो गया है। ये इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इतनी इजीली ब्लेंड हो जाता है और इतना अच्छा, इतना नेचुरल लगता है ना कि मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो हर बार इसको ट्राई करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर मास्टर कोम का हाइलाइटर लिया है और मैं इसको यूज़ करूँगी इंडियन स्किन टोन के लिए। तो ये परफेक्ट हाइलाइटर है, आप देख सकते हो कि ये कितना नेचुरल ग्लो दे रहा है आपके फेस पर, इसमें कोई भी चंकीनेस भी नहीं है, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया है और इससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी इस तरीके से। ओके, तो हमारा आईब्रो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम अपना आई शेडो अप्लाई करेंगे। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पर रेवोल्यूशन का दोनों एनिमल पैलेट लिया है और मैं इसी से आज अपना मेकअप आई मेकअप करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज का आई मेकअप क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट चॉकलेट कलर का यूज़ करेंगे अपने पूरे क्रीज एरिया पे, आई लिड्स पर, सब जगह पे मैं यूज़ करूँगी इसको इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैं एक ऑरेंज शेड लूँगी जिसको मैं अपने क्रीज एरिया पर ही लगाऊँगी। आप देख सकते हो जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही बिल्कुल आपको करना है। ठीक है, आइज़ आज मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखने वाली हूँ, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मेटालिक शेड ले रही हूँ स्काई ब्लू कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लगने के बाद। आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है इस पैलेट की, दोनों ही पैलेट की खूबी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर को ले रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पर लगाने के लिए, इस तरीके से आप लगाना। फिर मैंने यहाँ पर HR का ग्लिटर लिक्विड आईलाइनर लिया है और इससे मैं अपने पूरे आईलिड्स पे अच्छे से लगा लूँगी, थोड़ा सा शाइन करेगा, तो ग्लिटरी इफेक्ट आ रहा था तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आई मेकअप तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर लूँगी। विंग आईलाइनर नहीं लगाने वाली हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि आई शेडो मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल ही रखा है और मैं थोड़ा सा फिर आई शेडो लेकर अपने आउटर कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लूँगी, थोड़ा सा डार्क कलर लेके। फिर मैं अपने आईब्रोज के पास में हाईलाइटर लगा रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर पर भी हाईलाइटर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं अपना मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा लिया है और मैं इसको आज यूज़ करने वाली हूँ। डे टाइम ये फॉल्स लैसेस तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि हैवी हैवी लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप भी उसको स्किप कर दीजिएगा, हमेशा सिर्फ मस्कारा यूज़ कीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। अच्छे से अपने लैशेस को मस्कारा से अच्छे से कोटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूंगी लिप लाइनर की हेल्प से। मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर का शेड लिया है और मैं इसी से अपने लिप्स को आउटलाइन करूंगी।
लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर आज पर्पल का लिपस्टिक लिया है, पर्पल का क्रेयॉन लिपस्टिक लिया है। ये ट्रांसफर प्रूफ भी है और इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी बिल्कुल लाइट पिंक है, लाइक न्यूड पिंक है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिप लाइनर लगाने से पहले मैंने एक और बार लिप बाम लगा लिया, क्योंकि ये जो लिपस्टिक है ये पूरा ही मैट फिनिश है, ठीक है, तो ये आपके लिप्स को पूरा मैट कर देता है। और विंटर के टाइम पे अगर आप लिप ग्लॉस नहीं लगाओगे तो फिर आपका लिप्स थोड़ा ज़्यादा ड्राई लगने लगेगा, आपको हैवी लगने लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिप बाम अप्लाई कर लिया है। ओके, तो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हम यहाँ पर फिक्सर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर NYX का मेकअप फिक्सर लिया है और मैं इसी को यूज करने वाली हूँ। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।